नमस्कार दोस्तों, आज की यह वीडियो आने वाले त्यौहार गणेश चतुर्थी के विषय में है। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम यह जानेंगे गणेश चतुर्थी का महत्व क्या है, गणेश चतुर्थी किस तिथि को मनाई जाएगी, वह गणेश चतुर्थी मनाने का शुभ मुहूर्त क्या है, वह इसकी पूजा विधि क्या है। दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान गणेश को प्रथम पूज्य देवता माना गया है। किसी भी शुभ और मांगलिक कार्यक्रम में सबसे पहले गणेश जी की पूजा वंदना की जाती है। भगवान गणेश बुद्धि, सुख समृद्धि और विवेक का दाता माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान गणेश जी का जन्म भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को हुआ था। यह स्वाति नक्षत्र और सिंह लग्न में दोपहर के प्रहर में हुआ था। ऐसे में गणेश चतुर्थी के दिन पर अगर आप घर पर भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना करने जा रहे हैं तो दोपहर के शुभ मुहूर्त में करना होगा। गणेश चतुर्थी तिथि अनंत चतुर्दशी तक यानी लगातार 10 दिनों तक विधि विधान के साथ गणेश जी की पूजा उपासना किया जाता है। गणेश जी की पूजा करने से जीवन में आने वाले सभी तरह के कष्ट, बाधाएं व संकट दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। गणपति बप्पा जो कि बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता कहलाते हैं। भगवान गणेश को गजानन, बप्पा, धूम्रकेतु, एकदंड, वक्रतुंड, सिद्धि विनायक, गणपति आदि कई नामों से जाना जाता है। मान्यता है कि गणेश चतुर्थी के दौरान पूरे 10 दिनों तक भगवान कैलाश पर्वत से आकर धरती पर रहते हैं और भक्तजनों पर कृपा बरसाते हैं। सितंबर में 10 दिवसीय गणेशोत्सव की शुरुआत होगी। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से इसकी शुरुआत होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद महीना भगवान गणेश की पूजा आराधना के लिए समर्पित है। हर वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर देश भर में गणेशोत्सव का पर्व बड़े ही धूमधाम और उमंग से मनाया जाता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से 10 दिनों तक चलने वाला गणपति उत्सव अनंत चतुर्दशी तिथि कहलाता है। गणेश चतुर्दशी पर घर घर भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित किया जाता है। इसके अलावा बड़े बड़े पंडालों में भी भगवान गणेश की भव्य प्रतिमा को स्थापित कर 10 दिनों तक पूजा अर्चना की जाती है। वैदिक पंचांग के माध्यम से आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी की तिथि, शुभ योग, मुहूर्त व पूजा विधि। वैदिक पंचांग की गणना के मुताबिक वर्ष 2023 में भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 18 सितंबर 2023 को दोपहर 2:09 पर होगी। वहीं 19 सितंबर 2023 को दोपहर 3:13 पर चतुर्थी तिथि समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदय तिथि के आधार पर गणेश चतुर्थी और 10 दिनों तक चलने वाले गणेशोत्सव की शुरुआत 19 सितंबर को होगी और इसका समापन अनंत चतुर्दशी के दिन 28 सितंबर को होगा। आइए जानते हैं गणेश स्थापना का शुभ मुहूर्त। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर घर घर भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गणेश चतुर्थी तिथि पर शुभ मुहूर्त में भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित करने पर जीवन में सुख समृद्धि सहित सभी तरह के शुभ फलों की प्राप्ति होती है। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित करने के लिए शुभ मुहूर्त का विशेष ध्यान दिया जाता है। ऐसे में इस वर्ष गणेश प्रतिमा की स्थापना का शुभ मुहूर्त 19 सितंबर को सुबह 11:07 से दोपहर 1:34 तक रहेगा। ऐसे में आप इस शुभ मुहूर्त के बीच घर में गणपति बप्पा का स्वागत कर सकते हैं। आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी की पूजा विधि के बारे में। गणेश चतुर्थी तिथि पर शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखकर सबसे पहले आप अपने घर के उत्तर भाग अथवा पूर्व भाग में या पूर्वोत्तर भाग में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। फिर पूजन सामग्री लेकर शुद्ध आसन पर बैठें। पूजा सामग्री में दुर्वा, शमी पत्र, लड्डू, हल्दी, पुष्प और अक्षत से ही पूजन करके गणेश जी को प्रसन्न किया जाता है। गणेश जी की आराधना केवल दुर्वा से भी की जा सकती है। सर्वप्रथम गणेश जी को चौकी पर विराजमान करें और नवग्रह, षोडश माता आदि बनाएं। चौकी के पूर्व भाग में कलश रखें और दक्षिण पूर्व में दिया जलाएं। अपने ऊपर जल छिड़कते हुए ओम पुंडीरकाक्षाय नमः कहते हुए भगवान विष्णु को प्रणाम करें और 3 बार आचमन करें तथा माथे पर तिलक लगाएं। यदि आपको कोई भी मंत्र नहीं आता है तो ओम गंग गणपताय नमः
इस मंत्र को पूरी पूजा के दौरान कह सकते हैं। हाथ में गंध, अक्षत और पुष्प लें और दिए गए मंत्र को पढ़कर गणेश जी का ध्यान करें। इसी मंत्र से उन्हें आवाहन करें और आसन भी प्रदान करें। पूजा के आरंभ से लेकर अंत तक अपनी जीवा पर हमेशा ही ओम श्री गणेशाय नमः अथवा ओम गं गणपताय नमः मंत्र का जाप लगातार करते रहें। आसन के बाद गणेश जी को स्नान कराएं। पंचामृत हो तो और भी अच्छा होगा, नहीं तो शुद्ध जल से स्नान कराएं। उसके बाद वस्त्र, जनेऊ, चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, जो भी संभव हो, जो आपके पास उपलब्ध हो, उसे चढ़ाएं। पूजा के पश्चात इन्हीं मंत्रों से गणेश जी की आरती करें। पुनः पुष्पांजलि हेतु गंध, अक्षत, पुष्प से इन मंत्रों ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंड धीमहि तनोदन्ति प्रचोदयात् से पुष्पांजलि अर्पित करें। तत्पश्चात गणेश जी को 3 बार प्रदक्षिणा करें। धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।